हेलो गाइस, कैसे हैं आप? और मिसेस भार्गवा ब्लॉग में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज है ट्यूसडे और आज है मेरी छुट्टी का दिन। तो आप गेस कीजिए मैं आज कहाँ जा रही हूँ, और मैं आपको बताऊँगी लेकिन लास्ट में हम कहाँ जा रहे हैं, तो चलते हैं साथ साथ। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हैं बाहर और चलते हैं, आप मेरे साथ साथ चलिए। तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और किससे मिल रहे हैं। ओके गाइस, तो अब मैं निकल चुकी हूँ गाड़ी लेके, और आप देख सकते हैं सामने, और ये साथ में मेरा घर है, आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको दिखाया है। और चलिए चलते हैं, मैं आपको वहाँ जाके किससे मिलवाती हूँ, किस कहाँ जा रहे हैं हम। ओके गाइस, तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, और जैसा कि आज आप देख रहे हैं आज गाड़ी ड्राइव मैं कर रही हूँ। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि आप किससे मिलने वाले हो यहाँ पे। ओके गाइस, तो ये है बच्चों का स्कूल, और आज हम लेने आए हैं बच्चों को स्कूल से। और बच्चे मुझे अब आज देख के सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं बच्चों को स्कूल से लेने नहीं आती हूँ, ज़्यादातर बच्चों के पापा स्कूल से लेने आते हैं उन्हें, लेकिन आज मैं बिल्कुल स्कूल के सामने ही हूँ, तो बच्चे हो जाएंगे सरप्राइज। चलिए आपको मिलवाती हूँ। मैं आइसक्रीम लेके आ रही हूँ। तो गाइस, बच्चे आ चुके हैं, ये देखिए कैसे थके हारे टूटे हुए बच्चे आ गए हैं। सो गाइस, दीदी अभी आइसक्रीम लेने गई है उधर। ये ना एक रेनबो स्टेशनर्स हैं, और ये मतलब स्टेशनरी भी बेचते हैं, और मतलब स्टेशनरी भी सेल करते हैं, एंड बाकी खाने पीने का सामान भी सेल करते हैं, बिकॉज यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमारा स्कूल है, तो एक कैंटीन की तरह हो जाता है। हम स्कूल से जाते वक्त भी ले सकते हैं और आते वक्त भी ले सकते हैं कुछ भी। बच्चे को अकल नहीं है यहाँ से पीछे। गाइस देखो कितना ट्रैफिक है, स्कूल के टाइम पे इतना ट्रैफिक हो जाता है, क्या बताऊँ। चलो हम आपको घर जाके मिलते हैं। मैं वो पूरी सो गाइस, हमें आइसक्रीम खा रहे स्कूल में। फ्रेंड्स, अब हम पीपल के पेड़ पे रखने आए हैं पूरियां। सो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं पीपल के पेड़ पे रखने। एक्चुअली मेरे को तो पता नहीं है पीपल का पेड़ है कौन सा, आई थिंक यही है। सो फ्रेंड्स, ये रहा पीपल का पेड़ है, यहाँ पे ये गोलू रख रहा है अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, रख दिया हमने, देखिए अब वापिस चल। ओके गाइस, तो अब हम घर पहुंच चुके हैं। तो गाइस, हम घर आ चुके हैं, और परी जा रही है और अक्षत उतर रहा है, तो चलिए हम घर चलते हैं। घर चल के बेचारों की बहुत बुरी हालत हो रही है, थकावट के मारे हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। अक्षत चलो अंदर, बहुत हो गया, अब आप बैग तो उतारो, इतना भारी बैग लेके, देखिए गाइस कैसे इतना भारी बैग लेके वो चल रहा है, उसे ये नहीं है कि बैग उतार दे अंदर। तो हम अंदर आ चुके हैं, और अक्षत को बैग इतना पसंद है कि वो उसको उतारना ही नहीं चाहता। और अंदर देखिए नानी आ गई है पर अक्षत अक्षत का तो बिल्कुल भी
थकावट नाम की दिख ही नहीं रही मुझे कि उसके फेस पे कोई थकावट है, थक के आया है वो। ओके गाइस, तो अक्षय अब कपड़े बदल कर आ चुका है और पसीना दिखा रहा है पानी लगाकर। अरे पानी देखो पानी लगाया है इसने मेरे सामने, अभी अभी पानी लगाकर लाल बन के आ रहा है अभी, और बाहर निकल गया तो अगर कोई पीछे सांड आ गया तो क्या होने वाला है इसके साथ। तो अब अक्षत जी महाराज खाना खाने के लिए तैयार हो गए हैं और इनकी फुल टू मस्ती, ये बिल्कुल थके नहीं है। और आप देखिए इनकी मस्ती देखिए जरा, नहीं स्कूल से आने के बाद बच्चे थक जाते हैं, वो ऊपर जाके पस्त हो गई है परी। और गोलू को देखिए आप, मैं टीवी तोड़ूंगा। देखो गाइस हमारी मम्मी कितनी अच्छी होती है, पहले तो हमें स्कूल से लेके आती है फिर खाना बनाती है। मम्मी आप इस बात पे क्या कहना चाहोगे? कैमरा आपकी तरफ, टेबल पे लगेगा, इस टेबल पे खाना रहेगा फिर हम आपको दिखाएंगे पूरी। हाँ बोलो। और गाइस आज हमारे घर में बहुत सारा सामान बना था, चलो इसलिए हमारी किचन जरा सी फैली हुई है, प्लीज इस डोंट माइंड इट, इस चीज को इग्नोर कीजिएगा। मम्मी खाना ला रही है, मम्मी खाना ले आओ जल्दी से। ओह माय गॉड, खीर ठंडी है ना? खीर तो ठंडी अच्छी लगती है, हैं दीदी को भी और मेरे को भी। बड़ा आपने खाना खा लिया? मम्मा आपने खाना खा लिया? तुम भी खा लिया? पापा ने? अच्छा पापा तो गए हुए हैं गाइस, पापा हमारे गए हुए हैं। कहाँ गए? पुरानी कहाँ गए? मम्मी जो काम से गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, मुझे ये नहीं पता। तो चलो अब मैं आपको खाना खाने के बाद मिलता हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, अब मैंने खाना खा लिया है एंड मम्मी गोलू का भी हो गया एंड मम्मा ये देखिए, मम्मा अभी भी खा रही है क्योंकि उन्होंने बनाया है तो उन्हें थोड़ा टाइम लगा है। और अब हम जाएंगे ऊपर आराम करने, तो जब हम अब आराम करने के बाद मेरी ट्यूशन है तो तब मिलते हैं आपको। देखिए मेरे स्कूल से आने के बाद में बिल्कुल जवाब नहीं बचती है, फटाफट खाना खा लिया और अब मैं आराम करने जा रही हूँ। एंड उसके बाद अभी मेरी 2:30 ट्यूशन है और 2 बज रहे हैं, सिर्फ आधा घंटा है मेरे पास आराम करने के लिए। तो अब हम आपको उठने के बाद मिलेंगे जब मैं ट्यूशन होंगी तब। ओके तब तक ले अभी। सो फ्रेंड्स मैं उठ गई थी एंड उठने के बाद फिर मैं ट्यूशन्स गई, मेरी 2:30 से लेकर 7:30 बजे तक अराउंड ट्यूशन्स होती है। एंड उसके बाद फिर मैं घर आई एंड घर आने के बाद हम लोगों ने खाए मोमोज एंड सॉरी मैं वो सब नहीं ला पाई एक्चुअली कोई रीज़न की वजह से। एंड अब मेरा एक ऑर्डर आया, चलिए उसको अनबॉक्स करते हैं। ओके लेट्स गो। ओके सो फ्रेंड्स ये आ चुका है मेरा ऑर्डर एंड इस ऑर्डर में यूज होगा ये चीज़, तो ये आपको पता है क्या है। और आज कर दिया तो कमेंट में नीचे बताओ। अब हम करते हैं फटाफट, अभी बताओ अभी भी ना देखे ये मेरे को पड़ा है सिर्फ 281 का दिख रहा होगा सर। और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसे अच्छे से फाड़ते हैं पहले, पर कर थोड़ा अरे हाँ ना आ रहा पूरा खेल। टेबल लैम्प जो मेरे को स्वीटी अंदर का पड़ा है। और ये इसका क्या यूज़ करेंगे हम? मैं रात को स्टडी करती हूँ तो मेरे को एक्चुअली इसके लिए प्रॉब्लम होती है, रूम में लाइट जलती है तो लाइक थोड़ा होता है ना, मतलब दीदी 12-1 बजे तक पढ़ाई करते तो मम्मी आपस सो रहे होते हैं तो प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से मैंने टेबल लैम्प मंगवाया ताकि वो जो है टेबल लैम्प उससे मेरे पे लाइट करें, बस थोड़ी सी जगह पे लाइट करें एक पर्टिकुलर एरिया पे, ऊपर कर ले थोड़ा। सो फ्रेंड्स ये है हमारा टेबल लैम्प एंड वेट मैं से निकालती हूँ। ओके सो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आया है, तो इसकी पैकेजिंग तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, पता नहीं इसमें आवाज़ कैसे आ रही है, ये ठीक ठाक है पैकेजिंग भी सही है लाइक
अभी इतने में आपको इतना ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। ओके सो ये कुछ इस टाइप का है और इसके अंदर बल्ब लगता है। ये बल्ब मैं लेके आई हूँ, ये मेरे को 40 रुपीज़ का पड़ा है। तो चलिए अब हम फटाफट से इसको बल्ब में लगा के देखते हैं। बल्ब गाइस, सो यही थी अनबॉक्सिंग। आपको दिख गया होगा कि क्या मंगवाया था मैंने। तो अब हम लोग इस ब्लॉग को क्या करना चाहते हैं बोलूँ, एंड यही एंड करना चाहते हैं, क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी है, 8 बज रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, आगे शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, वो तो मेरे को पता है। तो बोलेंगे तू तो हर चीज़ तोड़ता है।